आज हम आपको जानकारी देंगे कि जब लड़की और लड़के के संबंध की पक्की बात होने जा रही होती है तो उसके पहले उनके पेरेंट्स किसी अच्छे योग्य विद्वान से लड़के और लड़की दोनों की कुंडली का मिलान करवाते हैं सामान्यतया जब 18 से ऊपर गुण मिल जाते हैं तो यह माना जाता है कि विवाह शुभ रहेगा लेकिन यहां में आपको आज जो बात शेयर करने जा रहा हूं, वो बात है नारी दोष की जब आप लड़की और लड़के की कुंडली का मिलान करवाते हैं तो वहां आपको आठ गुणों का मिलान दोनों की कुंडली से करके बताया जाता है इनमें कुल छत्तीस अंक होते हैं और आठवा व अंतिम गुण नाड़ी का होता है और अकेले नाड़ी गुण को आठ अंक प्राप्त है यदि नाड़ी दोष है इसका मतलब है कि आठ में से शून्य अंक मिला है अब चाहे 36 में से 28 गुण ही क्यों ना मिल रहे हो तब भी संबंधित विद्वान पंडित या ज्योतिषविद आपको यही कहेगा कि नाड़ी दोष होने के कारण यह विवाह शुभ नहीं रहेगा दूसरे शब्दों में अशुभ रहेगा हुआ ये कि हमारे वैदिक ज्योतिष में कुछ विद्वानों की ऐसी मान्यता है कि नाड़ी दोष केवल ब्राह्मीण और वैश्य वर्ण के लड़के और लड़कियों के संबंध में ही मान्य है यानी कि देखा जाता है लेकिन जहां तक मेरी राय है मनुष्य मनुष्य ही होता है व्यक्ति व्यक्ति होता है जो कि परमात्मा की एक अनुपम कृति है सभी व्यक्तियों में पंचभूतों का समावेश होता है इसलिए चाहे वह ब्राह्मण वर्ण का हो वैश्य का हो क्षत्रिय हो या शुद्ध हो यह बात सभी पर लागू होती है खैर हम आगे बढ़ते हैं और आगे हम आपको यह जानकारी देना चाहते हैं आज कि नाड़ी दोष होने पर हमें पंडित जी या ज्योतिषविद विवाह ना करने की या विवाह के अशुभ होने की बात क्यों कहते हैं इसके पीछे वो कह लॉजिक है वो कहते हैं कि विवाह दो जीवों का मिलन है और उन जीवों का जो जन्म हुआ है वह है किसी न किसी विशिष्ट नक्षत्र में और विशिष्ट ग्रहों की विशिष्ट स्थितियों में हुआ है यदि जन्म कुंडली उन नक्षत्रों के विपरीत बात करती है और बताती है कि जिन नक्षत्रों में लड़के और लड़की का जन्म हुआ है वे उपयुक्त नहीं हैं, तो ये पक्की बात है कि वहां निश्चित रूप से अशुभता होगी अब ये जो नारी दोष है इसकी अशुभता क्या है इसके पहले मैं आपको एक बात की विशेष जानकारी दूँ। मुख्य रूप से नाड़ी तीन भागों में बांटी गई एक आदि दूसरी मध्य और तीसरी अंत्य हमारे जो ग्रंथ उपलब्ध है जिनकी सहायता से गुण मिलाप किए जाते हैं उनमें उल्लेख है कि लड़का और लड़की समान यानी कि एक ही नाड़ी के जन्म वाले नहीं होने चाहिए कहने का मतलब है कि आदि आदि लड़के और लड़की दोनों की नाड़ी पहली नाड़ी है दोनों की दूसरी नाड़ी है मध्य मध्य दोनों की तीसरी नाड़ी है अंत्य अंत अगर ऐसा है तो नाड़ी दोष उत्पन्न होगा मैंने जैसा आपको बताया कि नाड़ी दोष बड़ा ही अशुभ कारक होता है अशुभता क्या हो सकती है और वो भी बड़ी अशुभता क्या हो सकती है पहली तो बात मैं आपको बता दूं जो सामान्य है निर्धनता बनी रहती है वर और कन्या दोनों का दाम्पत्य जीवन हमेशा निर्धनता पूर्ण रहेगा दूसरा जो इसमें अशुभता बनती है वह है कि संतान का ना होना दाम्पत्य जीवन तो एक सूत्र में बंध गया लेकिन सामान्यतया पाया जाता है कि नाड़ी दोष होते हुए भी यदि विवाह कर दिया जाता है तो संतान सुख का अभाव रहता है तीसरा और बहुत खतरनाक बड़ा अशुभ ही जो इसका इस दोष का फल मिलता है वह भयावह है या तो कन्या की मृत्यु हो जाएगी या वर की मृत्यु हो जाएगी या दोनों की ही मृत्यु हो जाएगी तो ऐसी स्थिति में जहां पर कि इस प्रकार की अशुभता है कौन मां बाप ऐसा चाहेगा चाहे लड़की का मां लड़की के मां बाप हो चाहे लड़के के मां बाप हो कि नाड़ी दोष होते हुए भी वे विवाह करेंगे एक दोष और बनता है तलाक योग यह भी नाड़ी दोष के कारण उत्पन्न हो सकता है इनमें से कौन सा होगा इसका वैसे तो कोई प्रमाण नहीं है लेकिन ऐसी मान्यता है कि यदि वर और कन्या दोनों के आदि नाड़ी हो दोनों की नाड़ी आदि हो तो तलाक योग की संभावना बनती है यदि दोनों की मध्य या अंत्य नाड़ी है दोनों में से किसी एक या दोनों की मृत्यु का योग बनता है अब सवाल है कि क्या नारी दोष के कोई परिहार है कोई उपाय है मैं दोनों के बारे में जानकारी दूंगा आपको पहले मैं परिहार के बारे में बतलाता हूं आपको कि सामान्यतया नारी दोष तब नहीं लगता या तब नहीं माना जाता है जब लड़का और लड़की दोनों का जन्म नक्षत्र तो एक है परंतु चरण अलग अलग हो आप जानते हैं एक नक्षत्र के चार चरण होते हैं तो यह कहा गया कि जन्म नक्षत्र तो एक है लेकिन लड़का लड़की के जन्म के चरण उसमें अलग अलग है दूसरा दोष कब नहीं लगता है यह जबकि नक्षत्र जन्म तो एक है परंतु राशियां दोनों की अलग अलग है और तीसरा जो दोष कब नहीं लगता है यह जब राशियां तो एक है परंतु जन्म नक्षत्र अलग अलग है आप कहेंगे ऐसे कैसे हो सकता है एक राशि में नामाक्षर नौ होते हैं सवा दो नक्षत्रों से एक राशि बनती है और इस प्रकार से चार प्लस चार प्लस एक नौ नक्षत्र चरण और नौ अक्षर हमें मिलते हैं तो इस वजह से ऐसा संभव है कि तो दोनों की राशि तो एक हो परंतु जन्म नक्षत्र अलग अलग हो यदि इन तीनों में से कोई सी भी परिस्थिति है तो मान्यता है कि नाड़ी दोष उत्पन्न नहीं होता है इसके अलावा भी एक बात और मैं बता दूं क्या है कि लग्न कुंडली के आधार पर ही ये जानकारी ली जाती है परंतु आप ध्यान रखिएगा कि अगर आप ऐसा पाते हैं कि यह है संबंध लड़का और लड़की दोनों का परिवार अच्छा है और गुण भी इक्कीस से ऊपर मिल रहे हैं 18 से ऊपर मिल रहे हैं 18 से इक्कीस के बीच में सामान्य माने जाते हैं तो ऐसी परिस्थिति में आप उनकी सप्तमांश नवमांश तिशांश और सर्वाष्टक वर्ग कुंडलियां भी दिखाएं हो सकता है कि अन्य ग्रह उन कुंडलियों में शुभ फल दे रहे हो और ये जो गुण है नाड़ी दोष वाला नाड़ी गुण है और नाड़ी दोष उत्पन्न हो रहा है उन अच्छे ग्रहों के प्रभाव से कोई भी अशुभ फल ना दे लेकिन इसके लिए आवश्यक है कि लड़का और लड़की की जो कुंडली का विश्लेषण है वह है गहन रूप से होना चाहिए रहा सवाल कि यदि मान लो अनजाने में हो गया विवाह और बाद में मालूम पड़ता है कि लड़का लड़की की जो नाड़ी थी वो तो मध्य नाड़ी थी और इसके अशुभ फल मिलना शुरू हो गया है तो उपाय क्या है अगर दोनों की मध्य नाड़ी हो तो महामृत्युंजय का जप आप किसी अच्छे अच्छे विद्वान पुरुष या समूह से विद्वानों के समूह से आप करवाए लेकिन ध्यान रहे कि इसमें जो यह जप है वह है वर के द्वारा करवाए जाएंगे वर के मार वर ही करवाएगा और वर ही करेगा कहने का मतलब है जप वर की तरफ से है कन्या की तरफ से नहीं वर को पूजा में बैठना होगा महामृत्युंजय का जप वर पक्ष की तरफ से और वर के द्वारा लेकिन यदि विवाह उपरांत मालूम पड़ता है कि आदि या अंत्य नाड़ी होने के कारण नाड़ी दोष रहा है तो कन्या को महामृत्युजप महामृत्युंजय जप और उसकी पूजा अर्चना करवानी चाहिए उनके पेरेंट्स या ससुराल वाले जो भी है जिसके लिए भी विद्वान पुरुष पंडित कहते हैं जो महामृत्युंजय का जप करवाएंगे पूजा करवाएंगे वो जैसा कहते हैं कि किस तरीके से ये पूजा होगी कहाँ पूजा होगी उसमें कन्या की प्रधानता रहेगी तो इस तरह से पुरुष प्रधानता तब है यानी कि वर की प्रधानता तब है जब दोनों की नाड़ी मध्य हो और कन्या की प्रधानता महामृत्युंजय जब के लिए तब है नाड़ी दोष के उपाय के लिए तब है जबकि आदि या अंत्य नाड़ियों में से किसी एक में वर और कन्या का जन्म हुआ हो आप निश्चित रूप से जन्म कुंडलियों का मिलान कराएं नाड़ी दोष होने पर आप सोच समझ कर ही विवाह का निर्णय लें मैं सभी के सुखद भविष्य की कामना करता हूं जय श्री कृष्ण